हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल। क्वेश्चन नंबर 4, ऑब्जेक्टिव 1, चैप्टर 5। क्या लिखा हुआ है? अ ब्लॉक ऑफ मास 10 kg इज सस्पेंडेड थ्रू टू लाइट स्प्रिंग बैलेंसेस एज शोन इन द फिगर। ठीक है, तो ये पहली और ये दूसरी, ये स्प्रिंग बैलेंस है। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले स्प्रिंग बैलेंस की बेसिक थ्योरी आपको पता होना चाहिए। बेसिक थ्योरी बस यही कहती है कि मान लीजिए ये स्प्रिंग बैलेंस है, ठीक है, और इसके नीचे मैं एक वेट टंगा दिया, ठीक है, हैंग कर दिया एक वेट को, एम मास का, और इसके ऊपर वाले पॉइंट को मैं एक सीलिंग से अटैच कर दिया। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर ये मास रेस्ट पे है, तो अगर यहाँ पर फोर्स एम जी लग रहा है, तो इस रस्सी पे टेंशन कितनी है? एम जी है। ठीक है, और अगर बात करूँ मैं इस पूरे सिस्टम की, जिसमें स्प्रिंग बैलेंस और ब्लॉक दोनों हैं, ठीक है, तो इसका एफबीडी बनाऊंगा, तो स्प्रिंग बैलेंस तो लाइट है, लाइट स्प्रिंग बैलेंस, ठीक है ना, यहाँ लिखा हुआ है लाइट स्प्रिंग बैलेंस। लाइट स्प्रिंग बैलेंस मतलब होता है मासलेस। ठीक है, तो भाई इस रस्सी में भी टेंशन को एम जी ही होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इस पूरे सिस्टम में, ये डॉटेड सिस्टम इन द सेंस, स्प्रिंग प्लस ब्लॉक, स्प्रिंग बैलेंस प्लस ब्लॉक, इसमें टोटल एक्सटर्नल फोर्स क्या लग रहा है? सिर्फ और सिर्फ एम जी। तो उसको बैलेंस करने के लिए ऊपर की तरफ टेंशन कितना रहेगा? एम जी। यानी कि स्प्रिंग बैलेंस के दोनों एंड में, ठीक है ना, दोनों एंड में जो दो स्ट्रिंग लगी हुई है, उन दोनों में टेंशन कितना है? एम जी है। ठीक है, तब जाके उस स्प्रिंग बैलेंस की जो रीडिंग होती है वो एम जी आती है। ठीक है, तो बस खत्म। अब क्वेश्चन पे आते हैं, बेसिक थ्योरी स्प्रिंग बैलेंस की यही है। ठीक है, क्वेश्चन पे आते हैं, हम देखेंगे क्या बोला है भाई। 10 kg का ब्लॉक है, तो यहाँ पर तो भाई टेंशन सोचने वाली कोई बात ही नहीं है, सीधा 100 न्यूटन। ठीक है, क्योंकि यहाँ कितना फोर्स लग रहा है? 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब भाई यहाँ पे सेम लॉजिक से जो मैं आपको यहाँ पर बताया, ठीक है ना, यहाँ पर भी टेंशन कितना हो गया? 100 न्यूटन। ठीक है, और सिमिलरली यहाँ पर भी टेंशन कितना हो गया? 100 न्यूटन। ठीक है ना, बेसिकली यार देखो, ये जो ब्लॉक है ना, ये 10 किलो का है। ठीक है, तो इस पूरी स्ट्रिंग में हर जगह टेंशन 100 न्यूटन ही रहेगी, क्योंकि बीच बीच में स्प्रिंग बैलेंस भले ही लगे हुए हैं, लेकिन वो सारे के सारे कैसे? लाइट वेट के हैं। ठीक है ना, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब देखो, इस स्प्रिंग बैलेंस की बात करो, इसके ऊपर वाली रस्सी में और नीचे वाली रस्सी में टेंशन कितना है? 100 और 100। तो ये वाला बैलेंस रीडिंग कितनी देगा? 100 न्यूटन देगा। ठीक है, अब इस बैलेंस की बात करो, इसके ऊपर वाली रस्सी में और नीचे वाली रस्सी में टेंशन कितना है? 100 और 100। तो ये वाला भी रीडिंग कितनी देगा? 100 न्यूटन ही देगा। ठीक है, खत्म। अब नेक्स्ट पेज में कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, देख लेते हैं। बोथ द स्केल्स विल रीड 10 kg, बोथ द स्केल्स विल रीड 5 kg। तो पहली बात तो ए ऑप्शन ही करेक्ट है, बी तो गलत है ना। द अपर केस विल रीड 10 kg एंड द लोअर 0, गलत, बिल्कुल गलत। द रीडिंग्स मे बी एनीथिंग बट देयर सम विल बी 10 kg, गलत, सम तो 20 kg है। ठीक है ना, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो एज सिंपल एज दैट, स्प्रिंग बैलेंस की बेसिक थ्योरी आपको बस पता होनी चाहिए। ठीक है, कई बार बच्चों को क्या लगता है कि सर स्प्रिंग, जैसे मैं वापस पेज पे आता हूँ, प्रीवियस पेज पे, कई बार लगता है ऐसा बच्चों को कि स्प्रिंग बैलेंस है अगर, तो ऊपर की तरफ 100 न्यूटन लग रहा है, नीचे की तरफ 100 न्यूटन लग रहा है, तो स्प्रिंग बैलेंस पे नेट फोर्स जो है वो 0 हो गया, तो स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग 0 होगी। ऐसा नहीं होता भैया, ठीक है ना। और कई बार तो और भी कुछ लगता है बच्चों को, कई बार ऐसा भी लगता है कि सर 100 और 100 200 हो गया, तो रीडिंग 200 हो गई। ठीक है, ऐसा भी कुछ नहीं है, ठीक है ना, जो मैं बताया हूँ वही करेक्ट है। ठीक है, मतलब वही सही तरीका है अप्रोच करने का क्वेश्चन को। ठीक है, तो प्लीज़ फॉलो दैट ओनली। ठीक है, ये जो मैं थ्योरी बताया हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, बाय बाय।